इन दिनों एक बैंक की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, नाम है क्रेडिट स्विस। एक जमाने में इस बैंक की ग्लोबल फाइनेंस मार्केट में तूती बोलती थी। ये दुनिया भर की कंपनियों को रेटिंग देता था। इस बैंक की रिपोर्ट और रेटिंग के आधार पर दुनिया भर के निवेशक अपनी निवेश की रणनीति को तैयार करते थे। लेकिन 165 साल पुराने इस बैंक को एक गलती भारी पड़ गई। नौबत यहां तक आ पहुंची कि अब क्रेडिट स्विस 60% डिस्काउंट पर बिक गया है। ये डील किसी और ने नहीं बल्कि क्रेडिट स्विस के ही विरोधी बैंक यूबीएस ने की है। अब सवाल इस बात का आता है कि स्विट्जरलैंड का नामी ग्रामी बैंक आखिर क्यों महज 3 अरब डॉलर में बिक गया? ऐसा क्या हुआ कि क्रेडिट स्विस का खेल खराब हो गया? क्रेडिट स्विस ने बॉन्ड में काफी पैसा निवेश कर दिया, जिसके कारण उसके पास पैसों की दिक्कत हो गई। बॉन्ड की वैल्यू गिरने से बैंक को तगड़ा नुकसान हुआ। बैंक की कमाई लोगों के पैसों से होती है। बैंक ग्राहकों से कम ब्याज पर पैसा लेकर उसे अधिक ब्याज पर लोन के तौर पर देता है। इसी मॉडल पर बैंक काम करते हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस ने गलती ये की कि उसने ग्राहकों का पैसा लंबी अवधि के लिए बॉन्ड्स में निवेश कर दिया। वहीं बैंक की दूसरी गलती थी कि उसने इसकी हेजिंग नहीं की। हेजिंग ना होने की वजह से रिस्क को मैनेज करना मुश्किल हो गया। बैंक का नुकसान बढ़ा और बैंक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। पहले आपको हेजिंग बताते हैं क्या होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। हेजिंग का मतलब होता है बचाव। बचाव यानी कि अपने निवेश को बचाने के लिए उठाए गए कदम से है। क्रेडिट स्विस के केस में बॉन्ड्स की गिरती कीमतों से बचने के लिए बैंक को बॉन्ड्स को हेज करना चाहिए था, यानी या तो शॉर्ट करना था या दूसरे डेरिवेटिव के जरिए रिस्क को मैनेज करना था, ताकि बॉन्ड का भाव गिरने से नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन क्रेडिट स्विस ने ऐसा नहीं किया। कुल मिलाकर क्रेडिट स्विस, जो दुनिया को निवेश का पाठ पढ़ा रहा था, खुद ही अपने बॉन्ड्स को बचा ना सका। इसका असर ये हुआ कि क्रेडिट स्विस ने 17 अरब डॉलर के बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया। यानी जिन निवेशकों का पैसा इन बॉन्ड में लगा था, उनका पूरा का पूरा पैसा डूब गया। क्रेडिट स्विस के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स का पूरी तरह से राइट डाउन हो जाना। स्विस फाइनेंशियल रेगुलेटर फिनमा ने कहा कि इस डील से क्रेडिट स्विस के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स का पूरी तरह से राइट डाउन हो जाएगा, ताकि कोर कैपिटल को बढ़ाया जा सके। खबरों के मुताबिक 275 अरब डॉलर के यूरोप के 81 बॉन्ड मार्केट में ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। इससे पहले 2017 में स्पेनिश बैंक बैंको पॉपुलर एसए के जूनियर बॉन्ड होल्डर को 1.44 अरब डॉलर का राइट डाउन झेलना पड़ा था। इस फैसले से ग्लोबल फाइनेंस मार्केट सहमा हुआ है। माना जा रहा है कि इसका असर पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पर हो सकता है। अब निवेशक कंपनियों या बैंकों के बॉन्ड में निवेश से पहले कई बार सोचेंगे। इसका असर कंपनियों और बैंकों की फ्यूचर योजनाओं पर भी पड़ सकता है। फिलहाल स्विस सरकार ने क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनका असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल स्विस सेंट्रल बैंक यूबीएस और क्रेडिट स्विस को 108 अरब डॉलर की मदद करने जा रहा है। हालांकि अभी इस रकम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, ताकि बैंक की कमर्शियल गतिविधियां जारी रह सके। 2008 में लेमन ब्रदर्स बैंक के डूबने के बाद ऐसा पहली बार है जब किसी ग्लोबल बैंक को इमरजेंसी लाइफलाइन दी गई हो। फिलहाल 10 दिन में दुनिया के 3 बड़े बैंक डूब चुके हैं। दिक्कत अभी तक जारी है।